हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मैथ के साथ साथ हम साइंस भी पढ़ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट पॉलीनोमियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो क्या होता है वो देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो। वेयर वेयर यहाँ पे जो होता है ना, ये जो कोफिशियंट ए है उसे होना चाहिए नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है बच्चों, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है मैक्सिमम 2। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी तभी उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 2 से ज़्यादा डिग्री होगी या कम होगी तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2 इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक है। बट यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर 3x क्यूब प्लस के 5x प्लस 2, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई, जो कि 2 से बड़ी है, ठीक है। तो एटमोस्ट जो बड़ी से बड़ी डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए तभी उसे क्वाड्रेटिक बोली जाएगी, अदरवाइज नहीं बोली जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन आता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में छाटने के लिए कि इनमें से कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसी पर ही 4.1 एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, कह रहे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कितने पार्ट दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, क्या यहाँ पर एक्स प्लस वन, ऐसे मैं गिवन करके लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इधर क्या है 2x-3, है ना बच्चों। सो देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ये आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये ए के प्लस पे है, ये बी के प्लस पर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 2x, 2 3 6, ठीक है। यहाँ से देखिए आप खोल लीजिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 x, ये प्लस के इधर आके माइनस का हो गया और ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, उस तरफ कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 6 और 1 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, सिंस मैक्सिमम डिग्री 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि इसकी एटमोस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल, एकदम आसान है, ऐसे ही सारे करने हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाएंगे हम इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इधर है माइनस के 2 × 3 − x, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, माइनस के 2 − 3 − 6, माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस के 2x प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x और माइनस के 6 इधर आके प्लस के 6, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x
और ये प्लस के 6, ठीक है। सिंस मैक्सिमम डिग्री 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? एक्स माइनस के 2, एक्स प्लस के 1, इधर है एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है एक्स को एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस 2 को एक्स प्लस 1 के साथ, एक्स का एक्स प्लस 3 के साथ, माइनस 1 का एक्स प्लस 3 के साथ, है ना। एक्सपेंड कर दिया खोल मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स, माइनस के 2x, प्लस माइनस 2 वन जा 2, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस के 3x, माइनस के x, माइनस के 3। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है। सेम चीज़ अगर अपोजिट प्लस की दोनों तरफ सेम चीज़ होता है, सेम चीज़, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि सोचो अगर ये प्लस का, उधर जाके क्या होगा? माइनस का, प्लस में से माइनस होगा, हट जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और देखिए यहाँ से, यहाँ से क्या बचा? माइनस के एक्स, माइनस के 2, यहाँ से बचा 2x, माइनस के 3। सबको एक तरफ ले आओ, तो 2x माइनस 3, प्लस का x, प्लस का 2, इधर 0, यहाँ आ जाएगा 2x और x 3x, माइनस का 3, 1। सो देखो x की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 2 होनी चाहिए, वो है नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? सिंस हाँ डिग्री नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर स्पेसिफाई नहीं, अगर बोला जाए एक्स का डिग्री जब 1 होती है तो उसे लीनियर बोला जाता है। क्वाड्रेटिक तभी होगा जब उसकी डिग्री 2 होगी, एटमोस्ट 2, है ना। सो ये पार्ट भी हो गया हमारा आराम से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट पे क्या है बच्चों? एक्स माइनस 3, 2x प्लस 1, फिर हमारा इधर एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक्स 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1, इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, है ना। इधर देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स, 5x, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x वन जा एक्स, 3 टू जा 6x, माइनस की 3, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ होगी 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस के 5x, माइनस 3, ये प्लस के इधर के माइनस का, और ये प्लस के इधर के माइनस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे, x स्क्वायर माइनस के 5x, माइनस के 5x, माइनस के 10x, माइनस 3। सिंस मैक्सिमम डिग्री 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा आराम से।
एकदम सिंपल था। ठीक है, जब आप सोल्यूशन हो जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। ये भी हो गया, पांचवे पे आ जाते हैं। 2x-1, x-3, x+5, x-1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर, अब आप सिंपल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल 2x × 2x, 2x² 2 × 3 = 6x, फिर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, x × x, x² 1 × x, 5x, 5 × 5। ठीक है, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना एक्सपेंड किए, कर दिया। यहाँ से देखिए माइनस के 7x प्लस के 3, x² माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का इधर माइनस, यहाँ से बचेगा प्लस के 4x, इधर आके आ जाएगा माइनस के 4x, और माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5। 2x² में से x² माइनस करोगे, x² माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 11x, 5 और 3 प्लस के 8। हाँ, तो ये क्या आ गया, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। सिंस मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल, आराम से हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे, 6 में क्या हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 1, और इधर है x-2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस की 2ab। सो देखिए यहाँ से तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको खोलेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना। यहाँ से देखिए x² 3x प्लस 1, ये आ जाएगा 4, 2 × 4, और यहाँ से 4x। क्लियर, इधर से x², इधर से x² सेम साइन है, कैंसिल, 3x प्लस 1, और यहाँ से 4 माइनस के 4x, नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का, 7x माइनस 3 = 0। यहाँ देखो x की पावर 2 नहीं है, अब्सेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, ये भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स वाला पार्ट हो गया, सेवेंथ में आ जाओ। क्या यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब, और यहाँ है 2x × 2 x² माइनस के 1। ठीक है, x² माइनस के 1 है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखवा देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना, ए क्यूब बी क्यूब 3ab a + b।
यही अगर माइनस में आ जाए, उसका फॉर्मूला होता है जहाँ जहाँ प्लस है ना बस माइनस कर दो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने, कब किसका यूज़ हो जाए कौन जाने, है ना, ले लेना है अच्छे से याद कर लेना। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब बी का क्यूब, थ्री ए बी, ए प्लस बी फॉर्मूले में रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स इन टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स, एक्स क्यूब फोर, ठीक है। यहाँ से सिक्स एक्स होगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सिक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सिक्स टू जो ट्वेल्व एक्स, यहाँ से देखिए टू एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स, ठीक है। उधर ले जाओगे, देखो उधर जब ले जाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ तो ऑलरेडी है 2x क्यूब माइनस का 2x ऑलरेडी है, इसको उधर लाओगे प्लस का माइनस 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 माइनस, है ना, प्लस के सारे उस तरफ गए माइनस के हो गए, 2x क्यूब में से टू एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब बढ़ाएंगे तो एक्स क्यूब बचेगा माइनस के टू एक्स माइनस के ट्वेल्व एक्स माइनस के फोर्टीन एक्स एंड माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखो दो से ज़्यादा बड़ी डिग्री है, कितनी, तीन है, क्या लिखे हो गए, सिंस मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू थ्री देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा क्योंकि दो से बड़ी आ रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम दो ही चाहिए था, दो वाला टर्म है लेकिन उससे बड़ा भी है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि उससे बड़ी वाले को इंपॉर्टेंस मिल रही है, यहाँ पर मैक्सिमम टू चाहिए था, ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, बाकी सभी चैप्टर बच्चों मैंने करा रखे हैं बहुत ही सिंपल वे में, आप ज़रूर वॉच कीजिए उनको। लास्ट पार्ट है इसका, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आएंगे। क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस के फोर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन और इस तरफ है एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ठीक है। इस तरफ तो पहले से सिंप्लीफाइड है, जो भी सोल्यूशन करना उस तरफ करना है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, थ्री ए बी, ए माइनस के बी, यही फॉर्मूला होता है, आठ आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स, ठीक है। ये आ गया इस तरफ ऑलरेडी, क्या है इस तरफ ऑलरेडी, ये था, है ना, प्लस का कैंसिल आउट, इसको उस तरफ ले जाओ या उसको उठा के इस तरफ लाओ, ये नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव, नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव, पॉजिटिव के इधर आके नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, सिक्स एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स माइनस करोगे तो टू एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस के थर्टीन एक्स एट और वन नाइन, सिंस मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल्स टू टू, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, टू है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम मैंने आपको करके दिखा दिए एक एक करके, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट में आएंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में पता क्या करना है, ओनली कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, जितना बोला है उतना ही करना है।
ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, हर एक कंडीशन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ना खुद में एक आर्ट है। क्वेश्चन बड़ 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 पढ़ दिया, उसको समझे नहीं तो क्या फ़ायदा। क्वेश्चन जब पढ़ो एक एक लाइन, तो उसको डिकोड करते हुए उसका क्या मतलब, क्या हो रहा है उसको माइंड में सोचो। सिर्फ पढ़ो ही नहीं, पढ़ लो एक बार की जगह दो बार, आराम से उस पढ़ लो, ठीक है। अगर आप पढ़ के क्वेश्चन समझ जा रहे हो, तो आपने वहीं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी फॉर्मेलिटी आप कॉपी में करते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meter square, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वैसे तो निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, तो बस वही काम करेंगे। तो देखो रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, ये रेक्टेंगल है, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, और हर एक एंगल कितना का होता है, 90 का होता है, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, क्या बोला, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्वेंटी 8 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं ना। फिर देखो क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर, तो जो किसी पे डिपेंड करता है ना उसी को पहले मान लो, जिस पे डिपेंड कर रहा है लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ब्रेथ को मान लो। लेट जो हमारा बी है, ठीक है, जो हमारा बी है ब्रेथ, उसको हमने एक्स मीटर मान लिया, देन लेंथ क्या हो जाएगी, बोला लेंथ क्या है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है ना, हमने बी को एक्स माना है, तो लेंथ क्या है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे हमें क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया है वो कितना है 528। एरिया क्या होता है, एल इन टू बी, 528 है ना बच्चों, यही होता है। सो लेंथ क्या है हमारे पास 2x plus 1, ब्रेथ क्या है एक्स, इधर 528, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दो 2x square, एक्स बन जाए एक्स, प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इस तरफ क्या बचा जीरो। हमें तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना था, छोड़ दो, यही आ गया आंसर, सिंपल हलवा एकदम। तो अगर आपको सॉल्व करना भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 2 में समझा दिया है। फैक्टराइज कर देना, फैक्टराइज मेथड से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव की होगी उसे ही लेना है, क्योंकि लेंथ की कभी माइनस में नहीं होती है, क्योंकि आएगा आपका 2, एक्स की वैल्यू 2 आएगी सॉल्व करोगे, तो जो प्लस का आएगा वही एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपको आगे फर्दर करना है तो घर से कर लेना, ठीक है। कैन यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है, फाइंड द इंटीजर्स। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक, लेट फर्स्ट इंटीजर को मैंने एक्स मान लिया, सो नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मेरा क्या हो जाएगा x plus 1, ठीक है, हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। इसके नेक्स्ट वाला बोलेंगे तो x plus 2 आता, उसके बाद x plus 3 आता,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दे रखा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306 है, यानी कि पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कंसेक्यूटिव दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, एक्स स्क्वेयर एक्स वन जा एक्स प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा, माइनस का जीरो। आंसर है ना, आराम से हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड, ओल्डर देन हिम, मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बना के दिखाना है। देखिए, लेट रोहन एज, रोहन की एज हमने एक्स मानी, रोहन की एज ही क्यों मानी हमने, क्योंकि रोहन की मम्मी की जो एज है वो डिपेंड कर रही है रोहन पर, तो रोहन की मान लो। एंड एज, रोहन्स मदर एज वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, फिर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years लेटर, थ्री ईयर्स लेटर अगर आप जाओगे तो 3 years लेटर में देखो रोहन की एज क्या होगी। अभी उसकी एज एक्स है, 3 साल बाद क्या होगी, 3 ऐड कर दोगे, है ना। एंड मदर की एज क्या होगी, मम्मी की उम्र अभी एक्स प्लस 26 है, उसमें और 3 ऐड कर दोगे, है ना, 3 साल बाद बोला है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। ठीक है, कह रहे 3 साल बाद जो दोनों की एज को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 360 आता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, नाउ। ठीक है, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है, 360। ठीक है, 360 है। सो देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला क्या, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 किसके इक्वल है, 360 के। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 29x, फिर 3x, 3 × 9 = 27 कैरी 2, 3 × 6 = 8। एक्स स्क्वायर 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32x, और प्लस कर के क्या हो जाएगा, माइनस का, अब 360 में से 87 माइनस करेंगे तो देखो 10 में 7 घटाएंगे 3, ठीक है, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, ठीक है, और कितना जाएगा, 2 0। ये हमारा आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अरे अ ट्रेन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है। कह रहे हैं, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, ये हमारा एक डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है ना,
ये ट्रेन चल रही है छुकुर छुकुर करके, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हम क्या मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक घंटे में एक्स किलोमीटर चलती है वो यूनिफॉर्म स्पीड वही है अब, ठीक है, यूनिफॉर्म का स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चली जा रही है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। देखो और एक सूत्र आपको चाहिए होगा यहाँ पर, क्या सूत्र, सिंस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यही होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर आप फर्स्ट कंडीशन पर देखें, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पर देखें तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है, ठीक है, पहली वाली नॉर्मल स्पीड में जाती है, तो देखो टाइम क्या लगेगा, पहला वाला टाइम डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है और स्पीड आपकी x है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंडीशन में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या है कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देखो तुम 50 की स्पीड से जा रहे हो और तुम फिर 20 की स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड अगर हम कम कर दे देंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगता है कि नहीं, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है जो टाइम लगेगा T2, ठीक है, कह रहे हैं डिस्टेंस तो आपकी वही है 480 है, स्पीड अब की बार क्या है जितनी पहले थी उससे 8 कम कर दो, 8 क्या कर दो, कम कर दो, तो ये टाइम है, पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरी बार में जब स्पीड कम कर दे तो कितना घंटा ज़्यादा लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सो वी हैव हमारे पास क्या जाएगा, सो वी हैव दिस T2 माइनस के T1 कितना है 3, वैल्यू पुट अप करो 480 एक्स माइनस 8 480 एक्स इधर आ जाएगा 3, एलसीएम क्या जाएगा एक्स माइनस के 8 एक्स इधर तो 3 रहेगा अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 480x माइनस माइनस प्लस 480 × 8, ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल, ठीक है, अब इस तरफ लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से क्या आ गया 480 × 8, इधर क्या है एक्स माइनस 8 × x और इस तरफ है 3/1, कट जाएगा देखो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर करोगे 8 × 0 = 0, 8 × 6 = 48, कैरी 4, 8 × 8 = 12, 8 × 0 = 0, 8 × 6 = 48 का 8, कैरी 4, 8 × 8 = 12, ठीक है, और इधर 1 था, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो वही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो भी वही रहेगा, माइनस का इधर के प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसे हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया, हमने आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको डिटेल में समझाया है इजी वे में, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा,
सारे चैप्टर तो हमारे कंप्लीट है, पहले से पेजेस में पढ़ा रखे हैं, लेकिन ये नई सीरीज है जिसे हम डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हर जगह शेयर करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।